हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लोकसभा के पूर्व संयुक्त सचिव दल सिंह बल्हा ने कहा कि हरियाणा में 8 सितंबर को रोहतक में विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली में देश के प्रधानमंत्री मुख्य रूप से शिरकत करेंगे और विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। दल सिंह गाँव मंगोली चट्टान में ग्रामीणों को रैली का न्योता देने के उपरांत ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। दल सिंह मल्हा ने बताया कि इस रैली में प्रदेश भर से 3 लाख पन्ना प्रमुख हिस्सा लेंगे और प्रदेश के 20,000 बूथों से भाजपा के कार्यकर्ता इस विजय संकल्प रैली में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इस रैली को संबोधित करके प्रदेश की जनता में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नया जोश भरेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भारी जीत दर्ज करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश में जनता के बीच पहुँच रहे हैं। उन्होंने कहा कि रोहतक में होने वाली विजय संकल्प रैली एक ऐतिहासिक रैली साबित होगी। उन्होंने कहा कि लाडवा विधानसभा क्षेत्र से इस रैली में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचकर प्रधानमंत्री के विचारों को सुनेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दूसरी बार मनोहर सरकार बनना तय है और आज विपक्षी पार्टियों के पास सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है। 8 तारीख को रोहतक में हमारे माननीय ऊर्जावान और यशस्वी प्रधानमंत्री जी विजय संकल्प रैली रोहतक में करेंगे। मैं उसके लिए भी आप सबको आमंत्रित करने के लिए आया हूं और वैसे तो हरियाणा राज्य के सभी पन्ना प्रमुख वहां पे भाग लेंगे। आप क्योंकि मेरे पड़ोसी हैं, आप सबका दुख दर्द जानना ये मेरी ड्यूटी है और आप सब ने हमारे इन प्रोग्रामों में 19 तारीख को बबैन में, 22 तारीख को उमरी में और 19 की सुबह लाडवा में भारी जन समर्थन की तरह आपने सहयोग किया, उस सब के लिए भी मैं आपका धन्यवाद करने आया हूँ।